की तो आपने प्रतिक्रियाएं बयान सुनी और बात विपक्ष की करते हैं। जी हां, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम बनने के लिए नीतीश कुमार ने सारी चीजों को छोड़ दिया है। तारकिशोर प्रसाद ने सभी यानी कि तेजस्वी यादव, लालू यादव के बयानों को याद कराया है जो वो नीतीश कुमार के लिए कहा करते थे। कहना चाहता हूं, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, यह हमारी कोई बातें नहीं है। जो महागठबंधन जिन कारणों से आज सब एक गठबंधन के नीचे सरकार बनाए हैं, उन्होंने कब कब किनको क्या क्या कहा था, उसकी एक वानगी हम आपको बताना चाहते हैं। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को याद कराना चाहते हैं कि जब आप याद कीजिए अपने पुराने दिनों को, जब जनता पार्टी से लेकर लोकदल, जनता दल, समता पार्टी का जो ये आपका लंबा सफर तय हुआ, आपने कितनों को राजनीतिक बलि दी है, याद करें महोदय। जॉर्ज फर्नांडिस एवं शरद जी को भी इन्होंने बलि देने का काम किया है। महोदय, जिन्हें ये मित्र कहते हैं, श्री लालू प्रसाद जी से बात करिए, आप तो भी खड़ा है तेजस्वी जी। महोदय तेजस्वी जी, आप याद करें, आपने इसी सदन में कहा था ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने, जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने भी कहा था कि श्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक पलटू राम है। सिर्फ अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी आठवीं बार पद मुख्यमंत्री का पद संभाला है और हर बार मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देते हैं, उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, आज भी ये चलिए बिहार में आरजेडी नेताओं के कई ठिकानों पर सीबीआई ईडी की छापेमारी हुई और इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हुई। और इसी कड़ी में पटना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेताओं के कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, लेकिन आरजेडी नेताओं को उससे परेशानी है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, कई कच्चे चिट्ठे देखने को मिलने वाले हैं। भेजे हैं जो बिहार के गरीब जनता को लूटा है, उसको लौटाना पड़ेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, उसको लौटाना पड़ेगा। गरीबों का जो भी लौटाया है, पैसा लेकर के नौकरी देना, पैसा लेकर के राज्यसभा भेजना, गरीब जनता को लूटना, ये आर्थिक अपराध है। और आज अभी पलटू कुमार जी के पलटासन पर अभी हम लोग यहाँ आए हैं विधानसभा में, वाद विवाद होगा, फिर उसके बाद बहुमत होगा।